अच्छा मज़ीद कोई लोग एक हैं उनको भी अब मजीद कोई लोग वेटिंग पे नहीं है मैं क्लास शुरू कर लूँ और हम बात ये कर रहे थे कि मैंने आखिर में आपको ये बताया था कि जेसन फाइल्स जो हैं वो भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं प्योर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं अच्छा किसी जेसन ये मैंने एक फाइल के जैसन फाइल के कॉन्टेंट्स यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट एक जेसन किया है जैसन फाइल के कॉन्टेंट्स को यहाँ कॉपी किया है और ये बड़ा सब बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड सैंपल है ये तो ये आपको जेसन की बेसिक्स आ, समझने में मदद देगा तो पहली बात समझ आप इसको इस तरह से देखें कि जितनी भी जेसन फाइल होती हैं हमेशा जो भी जेसन वैल्यूज होती हैं वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती हैं करली ब्रैकेट पे क्लोज होती हैं करली ब्रैकेट के पेयर के बीच में कॉमा सेपरेटेड जेसन जेसन पेयर्स होते हैं कॉमा सेपरेटेड ये होते हैं दो वैल दो चीजों के उनमें से और उनके बीच में कोलन लिखा हुआ होता है कोलन से पहले जो चीज होती है, इसको है, name, जो है उसको हम कहते हैं नेम और इसके बाद जो चीज लिखी होती है उसको हम कहते हैं वैल्यू तो नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं जेसन फाइल में नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं बी, बीच में कोलन लिखा हुआ होता है और उनकी लिस्ट के दरमियान कॉमल लगा हुआ होता है तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिस किसी भी जेसन फाइल का। अच्छा नीचे लेकिन ये तो ये समझने के लिए था ये है असल एग्जांपल जिसमें जरा सी थोड़ा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जेसन है ये भी एक त, जैसन फाइल के कंटेंट्स को यहां मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसमें देखें जो पहला करली ब्रैकेट आखिरी करली ब्रैकेट ये तो बता रहा है कि ये जैसन फाइल्स हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है करली ब्रैकेट पे एंड होती है इसके बीच में देखें ये क्या लिखा हुआ है, कुईस और कुईस के लिखा है? इसका मतलब है ये नेम है और इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है यहां से यहां तक ये सब इसकी वैल्यू है ये क्विज की वैल्यू है अच्छा इस क्विज के अंदर क्या चीजें इस क्विज के अंदर एक स्पोर्ट एक नेम है स्पोर्ट और फिर ये स्पोर्ट की ये स्पोर्ट की ये स्पोर्ट की वैल्यू है और ये स्पोर्ट की वैल्यू बजात खुद एक जेसन है ये स्पोर्ट की वैल्यू बजात खुद एक जेसन है वो कैसे कि जब ये जेसन स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर एक नेम है क्यू वन उसके आगे कोरल लिखा हुआ है उसके आगे ये वैल्यू है तो क्यू वन का की जो वैल्यू है वो भी एक जेसन है ठीक है तो कोलन के बाद करली ब्रैकेट का आ जाने का मतलब यह है कि ये इसकी जो वैल्यू है वो भी एक जेसन है अच्छा इस जेसन को स्टार्ट करें तो ये आ गया कोलन से पहले वाली चीज जो कि नेम कहलाती है और कोलन के बाद यह वैल्यू कहलाती है तो ये उसकी वैल्यू है ये पहला नेम वैल्यू पेयर है तो ये नेम वैल्यू पेयर है ये नेम क्वेश्चनस का नेम है ये इसकी वैल्यू है फिर उसके बाद q1 की q1 का जो जेसन है इसमें से ये ऑप्शन दूसरा नेम है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ये नई चीज आपके लिए ये असल में इसकी वैल्यू है लेकिन उसके बाद देखें उसके बाद ये आंसर से पहले आंसर के बाद कोलन है उसके बाद एक वैल्यू है तो क्वेश्चन से पहले जो है अब कोलन से पहले जो है ये इसका नेम है और कोलन के बाद जो ये इसकी वैल्यू है अच्छा ये जो नई चीजें मैं असल में जो वेटिंग में उनमें उनमें से मुझे एक साफ़ से कुछ कहना था तो मैं इस वजह से थोड़ी आपको गैप महसूस हो रहा होगा एक सवाल यह आया है कि जेसन यूज क्यों करते हैं मैं उसको उसका जवाब दे देता हूँ पहले आप ये देख लीजिए कि जेसन लिखा हुआ कैसे होता है असल में जेसन को जेसन के जो रूल्स है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जिस का जो सिंटेक्स तो मुश्किल नहीं है चंद चीजें हैं लेकिन आपको एक बेसिक समझाने के लिए एक मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्स लेवल की एक चीज भी आपके सामने शो डिस्प्ले की है मैंने ताकि वो पूरी बात समझ में आ जाए अब था, जो बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा था वो थी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर जो चीज़ स्क्वायर अगर कोई वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर में लिखी हुई है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में मल्टीपल वैल्यूज हैं तो ये ऑप्शन जो है ना इसमें इसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं ऑप्शन की एक वैल्यू जैसे क्वेश्चन की एक वैल्यू थी आंसर की एक वैल्यू है लेकिन ऑप्शन की मल्टीपल वैल्यूज हैं तो जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में इंक्लोज होती हैं और उनके वैल्यूज के दरियान कॉमा लिखा हुआ होता है सो so, अच्छा अब ये देखें ये है कि ये बेसिकली एक ऐसा ये क्वेश्चन पेपर है जेसन फॉर्मेट में और ये क्वेश्चन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन फिर उस के ऑप्शन दिए फिर उसका करेक्ट आंसर देने एक तरह से एमसी क्यू टाइप का एक वो है कि जिसमें ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के ये ऑप्शन होंगे उसमें से करेक्ट आंसर जो है वो उसके नीचे आंसर के तौर पे ले है हर क्वेश्चन में से ही देखें अब मैं नीचे इसको हाईलाइट करता हूँ क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर इसके नीचे देखें क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर अच्छा ये क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर जो है ना

तब ये मैथ के क्वेश्चन हैं मैथ का क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू ये क्वेश्चन वन का क्वेश्चन वन का डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन वन का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन क्वेश्चन वन का टेक्स्ट ऑप्शंस और आंसर फिर उसके बाद ये क्वेश्चन टू है उसका डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन टू का टेक्स्ट उसके ऑप्शंस और उसका करेक्ट आंसर तो अगर एक uh, जेसन फॉर्मेट में अगर एक क्विज uh, दिया हुआ तो आप उसका ऐसा पाइथन प्रोग्राम तो बना सकते हैं कि जो यूजर से उसका नाम इनपुट ले फिर उसके सामने क्वेश्चन शो करे हर पहले क्वेश्चन का टेक्स्ट डिस्प्ले करे उसके नीचे उसके तीन ऑप्शन डिस्प्ले करे फिर उससे उसका करेक्ट आंसर इनपुट ले फॉर एग्जाम्पल आप ए बी सी डी करके इसके चार ऑप्शन दे सकते हैं उससे पूछते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है और क्योंकि यहाँ पे लिखा है रॉकेट अगर आप इसको ऊपर नीचे भी करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका असल जो आंसर है वो हैस्टन रॉकेट है तो आपने ऑप्शन इसके जो नंबरिंग है आप वन टू थ्री फोर करेंगे तो उसका मतलब फोर पे इसका फोर जो है वो करेक्ट आंसर है या अगर इसकी, इसकी नंबरिंग ए बी सी करेंगे तो आपको पता है डी इसका करेक्ट आंसर है तो आप इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं अच्छा जनाब तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जेसन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि जेसन फाइल्स जो है ना वो भी प्योर टेक्स फाइल होती हैं अगर आप जेसन फाइल को ओपन करेंगे नोट पैड में ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह से लिखा हुआ नजर आएगा जैसे मैंने आपके सामने सैम्पल शो किए हैं अच्छा अब मैं आपके अब मैं आपको किसी ने सवाल पूछा था कि जेसन हम क्यों यूज करते हैं अब मैं जेसन का यूज बता रहा हूँ आपको लेकिन जेसन एक तो एक कन्वीनियंट फॉर्मेट है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना हो अलॉन्ग के नेम इसका ये था और उसकी वैल्यू ये थी या इस चीज़ की वैल्यू ये है जैसे मैं कहूँ कि नाम ये है और उसका एड्रेस ये है और उसका लोकेशन ये है और या स्टूडेंट है तो जी पी आई ये है तो, तो वो वो नई वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में हमें वैल्यूज अगर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को ट्रांसफर करनी है एक फंक्शन तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम जेसन फॉर्मेट में उस डेटा को लिखें और उसको पास ऑन कर दें ऐसी वेबसाइट या ऐसे प्रोग्राम्स जो जेसन फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर दें उनको हम सेंड कर दें तो वो उस जेसन फॉर्मेट को रीड जेसन फॉर्मेट को रीड करके वो उसमें से फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं किन की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं किन की सिंगल वैल्यूज हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं उन वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं अच्छा अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो ये पूछी थी उसके बारे में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपके सामने आप जो हाईलाइट कर रहा हूं ना ये भी एक जैसन है ना करले ब्रैकेट ओपन और करले ब्रैकेट क्लोज के बीच में लिखा हुआ है इसके बीच में इसमें लिखा हुआ है मार्कर्स ये कौन से मार्कर्स हैं ये गूगल मैप के मार्कर्स हैं गूगल मैप पे अगर आपको कोई चीज पॉइंट आउट करनी हो तो आप वहां पर एक मार्कर प्लेस कर सकते हैं तो ये लेकिन गूगल मैप की कुछ ए पी आई भी है ए पी आई भी हैं ए का मतलब ये है कि गूगल मैप ने कुछ फंक्शंस बना के हमें प्रोवाइड कर दिए और हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम्स में यूज करके हम उनकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे अगर मार्कर प्लेस करना हो हमें तो हम गूगल मैप की उस एपीआई को जो मार्कर uh, प्लेस करने के लिए उसको यूज करेंगे अच्छा गूगल मैप की एपीआई uh, करने वाली एपीआई uh, है उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि डेटा जो आप उसको प्रोवाइड करें वो जेसन फॉर्मेट में हो तो यानी इस फॉर्मेट में हो कि नेम हो और फिर एन ए एम ई लिखा हुआ और उसके आगे उस मार्कर का उस मा, जो मार्कर आपको प्लेस करना है उसका जाहिर कोई ना कोई कोई नाम दिया जाता है वो नाम हो और उसके बाद पोजिशन का पोजिशन के नाम का एक वेरियबल हो और पोजिशन के नाम के वेरियबल में उसकी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके ये उसकी रिक्वायरमेंट है गूगल की गूगल uh, मैप की एपीआई की रिक्वायरमेंट है कि उसका जो जेसन जो आप, uh, उसको पास ऑन करेंगे ताकि वो उस मार्कर को गूगल मैप के ऊपर प्लेस कर दे नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल लोड करें तो आपको वो मार्कर वहां लगा हुआ नजर आ रहा हो तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है और गूगल की मैप की एपीआई हम ये भी बताती है साथ में कि आप एक मार्कर एक वक्त में देना जरूरी नहीं अगर एक से ज्यादा मार्कर आपने प्लेस करने हैं तो उन सबको आप कॉमा सेपरेट करके उन आ, मार्कर उन, उन आ, जेसन्स को आप एक ही आ, जेस, एक ही मार्कर्स नाम के जेसन के अंडर में आप वो सारी वैल्यूज एक साथ दे सकते हैं सर जेसन का सिंटेक्स और इंडेंटेशन लेवल का बता दें अच्छा जेसन का आ, syntax, जेसन का जो इंडेंटेशन लेवल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंडेंटेशन लेवल पे नहीं डिपेंड करता ये करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये जो इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इन स्पेशल कैरेक्टर्स की मदद से वो आइडेंटिफाई करता है ये सारी चीजें आप एक लाइन में भी ले सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखी है जैसे मैंने शायद आपको ये बताया भी था पता नहीं आपको बताया था पिछले कि ये वाली जो जेसन है इसको हम इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं वो हम सिर्फ रीड और बल्कि ये तो अभी भी तीन लाइन में हम इसको पूरा का पूरा एक लाइन में भी कर सकते हैं तो ये भी एक वैलिड जेसन है तो इसमें इंडिशन लेवल से फर्क नहीं पड़ता ये जो इंडेंटेशन वगैरह की हुई है हमने इसलिए की हुई है क्या ताकि हम इसको हमें आसानी से ये चीजें नजर आ सके समझ में आ सके कि इसमें क्या वैल्यू है क्या नेम है क्या वैल्यू है और कितनी इसमें इसके एलिमेंट्स हैं ये डिक्शनरी टाइप वाली यह डिक्शनरी टाइप हो सकती है जी डिक्शनरी से रिजम्बल करती है भाई हम डिक्शनरी दि, पे भी आएंगे जरा सा हम जैसे को एक्सप्लेन कर लें फिर हम डिक्शनरी पे आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल है डिक्शनरी काफी हद तक रिजम्बल करती है अच्छा हम बात कर रहे थे इसकी तो ये मैं मैंने आपको ये बताया है कि ये जो जेसन है ये वो जेसन का वो फॉर्मेट है जो गूगल मैप की एपीआई को चाहिए होता है अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो उसको करेक्ट प्लेस कर देगा क्योंकि वो उस फाइल को रीड करता है वो चेक कर देगा उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है सिंटेक्स की उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पूरा उतरता ही नहीं उतरता अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा उतरता है तो फिर वो उसको आगे प्रोसीड कर देता है और मार्कर्स को मार्कर्स को वो प्लेस कर देता है अच्छा सवाल ये है कि सर जेसन अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं जेसन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है शुरू में बताया था कि जेसन आ, डेटा और उसकी वैल्यूज को आ, नेम वेरिएबल नेम्स और उन, उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है और उसके बाद सवाल है तो ये तो क्लियर हो गया कि जेसन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जेसन तो एक खास टे, एक खा, टेक्स्ट के ख़ास फॉर्मेट का नाम है जिसमें हम वेरिएबल और उनकी वैल्यूज़ को आ, लिख देते हैं ताकि दूसरा प्रोग्राम उन वेरिएबल्स और उन वैल्यूज़ को रीड कर सके तो जो जो वेरिएबल्स जो प्रोग्राम्स जेसन को सपोर्ट करते हैं जो जेसन को जो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि वो जेसन के जेसन फॉर्मेट में आने वाली इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सकें और ये इस वक्त का प्रीवेलिंग फॉर्मेट है बिटवीन जो जावा स्क्रिप्ट और यानी वेबसाइट्स की फ्रंट वेबसाइट के बैक एंड के दरम्या एक तरह से डेटा ट्रांसफ़र के लिए जेसन भी यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट्स uh, के जो फंक्शन है उनके दरमियान डेटा प्रोसेस करना हो का, काफी पे इसका, इसका 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 है। अच्छा अब मैं आपको जेसन uh, का तो जेसन अब आप आपकी समझ में आ गया होगा कि जेसन हम जेसन को हमने क्यों डिस्कस किया और मैंने आपको क्या कहा कि, कि हमने टेक्स्ट फाइल्स को रीड और राइट करने का टेक्निक तो सीख ली है ना वो स्के तो हमारे पास है तो आप ये देखें ये सारी चीजें आपके लिए Uh, एक्सप्लोरेबल लॉगिंग अब आप ये सारे काम कर सकते हैं अच्छा जेसन जो है जेसन uh, की एक लाइब्रेरी जे जेसन का एक मॉड्यूल जो Python है वो पाइथन में अवेलेबल है यानी मुझे ये सारे काम करने के लिए खुद से कोड ऐसा पार्सर लिखने की जरूरत नहीं है कि जो उसमें से वैल्यू और वेरिएबल के नेम और वैल्यू पेयर्स आइडेंटिफाई करे लेकिन मैं मैंने आपको डिस्क्राइब इसलिए किया मैंने उस नेम uh, उस मॉड्यूल का इसलिए जिक्र नहीं किया कि जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं ना तो वहां जरूरी वहां बेहतर ये होता है कि जो फंक्शन अवेलेबल है उनका हम खुद कोड करके देख लें उससे हमारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस में इजाफा होता है अच्छा इसका मतलब हरगिज किसी नहीं कि आप सारी उम्र ऐसे ही करते रहेंगे या आपने सिर्फ शुरू के एक आध साल ऐसा करना होता है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रोंग हो जाए और मैं इस बात का बिल्कुल कायल बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप व्हील री करने के पीछे लग जाएं कि ठीक है लोगों ने किया हुआ है लेकिन मैं अपने सारे फंक्शंस खुद लिखूंगा ये मेरे ख्याल से ये है तो हमें करना ये चाहिए और हम अपने ने वो करें जो दूसरों ना बनाए हों या उनके तो तो अवेलेबल है तो आप उसको यूज कीजिए लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ हमने अब तक किया है ना वो काफी सारी चीजों की बुनियाद है तो हमने जो कुछ अभी तक प्रोग्रामिंग में और हमने अच्छा खासा इंटरेस्टिंग काम अब हम उसकी मदद से कर सकते हैं बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो और थ्योरी से इस इस बात का एहसास के थ्योरी बेकार चीज़ नहीं होती इस काम के लिए हमने ये आज का जो क्लास है वो असल में उस गैप को आपके उस आपके जो रिपल्जन होती है थ्योरी थ्योरी और गैप के दर प्रैक्टिकल के दौरान उस गैप को फिल करने के लिए ये आ, क्लास है आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कि, कितनी सारी चीज़ें जो हम अब तक हमने जो काम किए हैं उन्हीं की उन सिर्फ उन्हीं नॉलेज उसी नॉलेज की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं हम जेसेंस को प्रोसेस कर सकते हैं हम सी एस वी फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं हम वेब पेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं वेब पेजेस बना सकते हैं और ढेरों काम कर सकते हैं सर जेसन ए गुड वे ऑफ राइटिंग एफ एल्स फंक्शन नहीं बिल्कुल नहीं एफ एल्स कैसे कोई ताल्लुक नहीं तो नेम वैल्यू पेयर्स हैं अच्छा सर मतलब जेसन बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग नहीं है बिल्कुल नहीं है और ये पाइथन में रन भी नहीं हो सकती पाइथन भाई जेसन तो फॉर्मेट है ये रन होने वाली चीज़ नहीं है रन तो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं जो रन होते हैं तो जेसन तो प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है ही नहीं वो तो डेटा को डिस्क्राइब करने का एक फॉर्मेट है अच्छा जनाब अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सएमएल के बारे में बताऊं कि एक्सएमएल जेसन से मिलती जुलती सी तो एक चीज नजर आती है नहीं बल्कि यूं कहना चाहिए कि XML जो है ना uh, कॉमन मतलब बात दोनों में क्या है, कि JSON भी होती है, JSON भी होती है और एक्सएमएल होती है अच्छा इसकी मिसाल यह है एक्सएमएल अच्छा, जो है वो डेटा को डिस्क्राइब करने के काम आती है और इसका मतलब समझने के लिए आप ये देखें जिन लाइन, लाइनों को मैंने हाईलाइट किया है इसमें आपको कुछ कोड्स और कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा है और एक्सएमएल के टैग्स होते हैं उसी से मिलते जुलते जैसे एस के टैग्स होते हैं उसी से मिलते जुलते से मतलब है कि देखने में यानी टैक्सन और ग्रेटर देन के बीच के में लेके जाते हैं तो XML टैग जो हैं वो भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में लिखे जाते हैं लेकिन HTML टैग जो हैं वो उनके नाम फिक्स हैं HTML ही है, HTML है तो आपने HTML ही लिखना है अगर आपने बॉडी पार्ट वेब पेज का की बॉडी डिस्क्राइब करनी है तो आपको लेस देन के बाद BODY ही लिखना है और उसके आखिर में स्लैश BODY ही लिखना है यही करना है लेकिन XAML के जो टैग्स हैं ये यूजर अपनी मर्जी से डिस्क्राइब करता है मसन ये जो कोड्स हैं ये मैंने एक सोच के तहत लिखे थे वो मैं अगर वो सोच आपको ना भी बताऊं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जरा इसको पढ़ लें जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि पी जीरो वन जो है वो प्रोडक्ट कोड है और फिर मैं आपसे कहूं कि अब आप, आप इसको पढ़ लीजिए ये क्या लिखा हुआ है तो इसका इस, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्वेंटी जो है ये यूनिट प्राइस है और थ्री जो है ये क्वांटिटी है और सिक्सटी जो है ये अमाउंट है तो जब मैं इस डेटा के इर्द-गिर्द एक्स एक्सएमएल और ये जो प्रोडक्ट कोड और स्लैश प्रोडक्ट कोड है ये मेरे दिए हुए एक्सएमएल टैग्स हैं ये यूनिट प्राइस और स्लैश यूनिट प्राइस ये मेरे दिए हुए यूनिट कोड्स हैं तो जिस तरह से एचटीएमएल में स्टार्ट uh, जिस एचटीएमएल टैग से जिस एचटीएमएल

असल में मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये प्रोडक्ट इस इन टैग्स को प्रोडक्ट और स्लैश प्रोडक्ट के टैग में भी इंक्लोज कर सकता हूं यानी एक टैग के अंदर अंदर उसके अंदर मजीद एच टी एम एल टैग एक्ल टैक्स भी हो सकते हैं तो ये जो दूसरा दूसरी रो थी पी जीरो अब आपको रिजेंबलेंस की वजह से आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा लेकिन अगर मैं इसको एक्सएमएल की फॉर्मेट में लिखूं तो ये मतलब बहुत ज्यादा वाजे हो जाता है कि ये क्या है ये भी एक प्रोडक्ट परचेज हुई है उस प्रोडक्ट का कोड उसका यूनिट प्राइस उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट यहाँ पर मैं अच्छा अगर मैं इसको इसके गेट परचेज स्लैश परचेज लिखवा दूँ तो आपको तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि ये किसी परचेज की बात प्रोडक्ट्स के परचेज की बात हो रही है या अगर मैं इसको परचेज के बजाय मैं लिख देता हूं लिख दू इन द शेल्फ और इस तरह से इसका जो एंड है कि उसमें भी मैं स्लैश इन द शेल्फ लिख दूं। तो अभी बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे पास ये शेल्फ में मौजूद हैं मैंने उनको डिस्क्राइब किया हुआ है तो एग्जामल टैग जो है ना डेटा को डिस्क्राइब करते हैं मैंने ओरिजिनली ये लिखा हुआ था कि मैंने परचेज किया तो ये जो मेरे पास कोड है XML कोड है ये ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन ये मैंने आपको XML का एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दिया है XML जो है वो थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एस से भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक्सएमएल डिस्क्राइब करना है, लेकिन उसके जो बेसिक्स है वो बड़ी आसान सी है और वो बेसिक्स मैंने आपको बताई है लेकिन इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको नहीं बताई है

भाई जेसन प्रोग्राम नहीं होता जेसन तो फॉर्मेट है टेक्स्ट का फॉर्मेट है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है वेरिएबल्स की वैल्यूज ट्रांसफर करने के काम आता है सर जिसको फिर जावा स्क्रप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों कहते हैं ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ही है जन जावास्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल सब जावा स्क्रिप्ट में आ, म, जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर करने के लिए ये इस्तेमाल हुई थी इसलिए इसका नाम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है जैसन उसी का एब्रीविएशन है नहीं प्लीज आने जैसे जैसा प्रोग्राम ये तो मैं बता चुका हूँ सर इसमें परपज कोड का टैग काम क्या करेगा परपज कोड परचेज कोड ये तो मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए मैं फ्री हूँ एच टी एम एल टैग तो फिक्स है वो एच टी एम एल ही होना चाहिए और वो बॉडी का टैग बी ओ डी वाई ही होना चाहिए एड एच टी एड ही होना चाहिए और जहाँ इमेज आपको प्लेस करना हो उसका टैग आई एम जी होना चाहिए जहाँ प्लेस करना हो वह ए होना चाहिए तो ये सब चीज़ें तो उसमें वो फिक्स हैं लेकिन XML के टैग्स फिक्स नहीं है एक्सएमएल के टैग्स यूजर खुद डिस्क्राइब करता है और वो आमतौर पर जो नेचुरल लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं उन्हीं को यूज करते हुए ये कोड्स लिखे जाते हैं इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है आ, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है हाँ कुछ इस, इसका कुछ एक स्टैंडर्ड है इसका एक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ये बताता है कि एक मीटिंग का टाइम खत्म होने में दस मिनट रह गए इसका प्रॉम्प्ट आया था जो मुझे डिस्टर्ब कर गया क्या बता रहा था मैं जेसन का Python में मॉड्यूल क्या है उसका नाम जेसन है नाम तो उसका जेसन है उसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं आप जेसन इंपोर्ट कीजिए Python चैल के ऊपर उसके फंक्शंस आ जाएंगे लेकिन भाई लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा मकसद आज जेसन एक्सप्लेन करना नहीं है मेरा मकसद आपको ये बताना है कि हमने टेक्स्ट में जो कुछ पढ़ा है जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसकी मदद से आप क्या क्या, क्या काम कर सकते हैं आप जेसन फाइल्स रीड कर सकते हैं जेसन फाइल्स को आपने आपके पास डेटा मौजूद है आपने यूजर से इनपुट लिया उसको आप जेसन फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करवाना है आप ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि जो यूजर से सिर्फ डेटा वैल्यूज इनपुट लिया उसका जेसन खुद ही फॉर्म करके राइट कर दे तो बताने का मकसद आप म, बताने का मकसद ये है मकसद एक्सएमएल सिखाना या जेसन सिखाना नहीं है आप क्यों आपको ये चीजें इस हद तक आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ये चीजें आपके लिए अजनबी ना रहें अगर आप में से कोई इसको किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो फर्दर स्टडी करने के लिए बेस उसके पास मौजूद हो वो फर्दर स्टडी करके अपना काम निकाल सके और कुछ काम तो आप अभी भी बगैर किसी फर्दर स्टडी के जितना मैंने बताया उससे कुछ ना कुछ कुछ काम तो आप इससे भी ले सकते हैं क्या सवाल क्या है सर आप सिर्फ आप सिर्फ थ्योरी के हवाले से बता रहे हैं ना जेसन और एक्सएमएल देखें जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उसमें जाहिर है कि एडवांस चीजें हैं कि तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जेसन को खुद से स्टडी कर लें और एक्सएमएल खुद से स्टडी कर लें और खुद से एप, एक्सएमएल को कम्प्लीटली और जेसन को कम्प्लीटली समझने के काबुल ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता लेकिन जो मैं जितना मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज है जो आपको जरूर जरूर होना चाहिए JSON का इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जेसन का फॉर्मेट समझ में आ गया एक्स एम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये समझ में आ गया कि टेक्स्ट टेक्स्ट में लिखी जाती है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्स एम एल यूज अभी भी होता है लेकिन इसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता इसका भी कम होता जा रहा है और जेसन उसको टेक ओवर करती है क्योंकि जेसन सिंपलर है और काफी हद तक वही रोल प्ले करती है जो XML का भी रोल किसी हद तक प्ले कर देती है अच्छा अब हम एक इसको इसको ये देखते हैं कि जेसन और XML हो गया और अब हम जो हमारा सेशन शुरू होगा ये आपका पहला सेशन था ना ये दूसरा सेशन था अच्छा बहरल मेरे ख्याल से गलबा आपका दूसरा सेशन था ओके थैंक यू दूसरा सेशन था तो मैं अब आपको डिक्शनरी जो हमारा जो आज का अ, लास्ट टॉपिक है वो डिक्शनरी है तो मैं अब आपको पाइथन uh, शेल पे स्विच करता हूं और पाइथन शेल पे पाइथन शेल पे कर लेते हैं यस पाइथन शेल पे करते हैं एक मिनट पाइथन शेल में मैं आपको थोड़ी सी बात याद लाऊंगी जब ने हमने पाइथन शुरू की थी तो हमने इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पढ़ी थी फिर बाद में हमने कुछ तो, कुछ थोड़े दिनों के बाद जाके जब हम एफ एल सेफ वगैरह और लूप वगैरह कर चुके उसके बाद हमने कलेक्शन डेटा टाइप्स की भी डिस्कशन की थी जिसमें जिसमें से हमने टपल लिस्ट और सेट्स देखे थे उसमें से लिस्ट को हमने ज़रा डिटेल से देखा था

और आ, लिस्ट में वो म्यूटेबल और म्यूटेबल का है और म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल कि टपल्स आपने क्रिएट कर दिया तो जैसा क्रिएशन टाइम के वक्त आपने उसमें जो कुछ असाइन कर दिया वो कर दिया उसमें कोई चीज चेंज नहीं होती ना उसमें से कुछ रिमूव हो सकता है ना उसमें कोई चेंज आ सकती है ना उसमें कोई चीज ऐड हो सकती है जबकि लिस्ट में आप नई वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं तो पुरानी वैल्यूज को रिमूव भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज उनको आप चेंज भी कर सकते हैं तो डिक्शनरी जो है वो भी इसी एक कलेक्शन डेटा टाइप है और डिक्शनरी का सिंटेक्स जो है वो ये है कि आप आप इसको करली ब्रैकेट के पेयर्स के बीच में लिखते हैं करली ब्रैकेट के पेयर्स के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो कर्ली uh, ब्रैकेट के बीच में नेम वैल्यू वो की वैल्यू पेयर्स कहलाते हैं वहां नेम वैल्यू पेयर्स कहलाते हैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स कहलाते हैं डिक्शनरी में तो ये जो ए है ये आ, 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 वो की है और ये टू है ये इसकी वैल्यू है ये इसकी की है ये इसकी वैल्यू है तो ये सब की वैल्यू पेयर्स के बीच में की और वैल्यू के बीच में कोलन लिखा लिखना जरूरी है डिक्शनरी बनाने के लिए और इनकी वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए मुख्तलि डिक्शनरी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाया जाता है तो ये डी क्रिएट ये डी क्रिएट हो गया अच्छा मैं आपको ऊपर जो पहली दफा जब मैंने लिखा था ना डी की एग्जाम्पल उसमें एक एरर भी आया था उसको भी एक्सप्लेन कर दू ये क्या है पहले मैंने ये ए मेरे मेरे जहन में ही था कि मैं ये कैरेक्टर ए लिख रहा हूँ लेकिन मैंने जिस वक्त जल्दी से जैसे इस वक्त टाइम शॉर्ट रह गया उस वक्त भी टाइम शॉर्ट था तो मैंने जल्दी में यहाँ पर सिंगल कोर्स नहीं लगाए थे तो उसने एरर क्या दिया वो देखें नेम ए ए इज नॉट डिफाइंड यानी वो एज्यूम कर रहा था कि A कोई वेरिएबल वेरिएबल है और उस की वैल्यू यहाँ यूज होनी है तो आप डिक्शनरी क्रिएट करते वक्त वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं अच्छा तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई मैंने डिक्शनरी को व्यू करके बता दिया और इसकी टाइप फंक्शन हमने पढ़ा हुआ टाइप के और ब्रैकेट में वेरिएबल नेम लिखना तो उसकी टाइप बताता है तो उसकी टाइप इसने क्या बताई डी आई सी टी ये के लिए होता है आईडी के बारे में नहीं बताया था कि किसी वेर आईडी डी भी एक फंक्शन इसके बीच में अगर आप किसी वेरिएबल का नाम लिखना है तो ये बताता है कि मेमोरी में किस जगह पर स्टोर है एक बात मेमोरी uh, के बारे में सुन लें कि मेमोरी में रैम uh, में एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल बाइट स्टोर हो सकती है यानी आठ बिट्स सिर्फ एट बिट्स स्टोर हो सकती हैं अच्छा ये डिक्शनरी एक बिट एक बाइट में तो आएगी नहीं इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज हैं तो आईडी ये इसकी आई डी तो एक सिंगल वैल्यू आई है ये ये एक सिंगल वैल्यू है ये लोकेशन का नंबर है जिस लोकेशन पे तो होता है कि पाइथन उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है जाहिर uh, uh, है वो उसके लिए एलोकेट करेगा तो वो वो जो ब्लॉक ऑफ बाइट्स है वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आईडी सिर्फ वो श, वो बताता है यानी आपकी जो वैल्यूज हैं वो इस जगह से स्टोर स्टोर होनी स्टार्ट हुई हैं अच्छा डिक्शनरी के साथ एसोसिएटेड फंक्शन function है जैसे डॉट कीज है ये आपको कीज की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है लेकिन इसकी टाइप क्या होती है अच्छा इसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसकी टाइप क्या होती है इसकी टाइप डिक्शनरी कीज होती है देखने में हमें ये क्या नजर आ रहा है

बी की वैल्यू ये नाइन है यहां पर ये यह अब मैं अगर बी की वैल्यू uh, की तो चेंज नहीं की जा सकती वैल्यू अलबरी जा की वैल्यू जा तो चेंज करने के लिए स्कोर ब्रैकेट के बीच में की वैल्यू की लिख दें और उसके आगे इक्वल टू डाल के वैल्यू लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई देखिए ऊपर थी इसकी वैल्यू और यहाँ पे फोर्टी फाइव हो गई इस तरह से डी डॉट आइटम की वैल्यू के पेयर को टपल्स के सीक्वेंस की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है अच्छा इससे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसकी लिस्ट क्रिएट कर सकें किस तरह से कि लिस्ट